राधे राधे गुरुजी जी, आपसे कुछ बातें करनी। बोलो। बोल रहे 2023 में हम 21 मई को शादी किए थे। कौन? मैं। अच्छा। और मेरा शादी अरेंज मैरिज हुआ था। मेरे बीबी बोली कि आपको माँ बाप का हम कुछ नहीं समझते हैं, तो सर हम बहुत डिप्रेशन में आ गए हैं, हम क्या करें, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो पत्नी आपके साथ नहीं रहती? नहीं, 11 महीना से नहीं है, ना बात करती है ना कुछ करती है। कहाँ चली गई? अपने गांव पर है। हम लोग गए थे, पापा भी बुलाने गए थे, बट उन लोग विदाई नहीं किया, बोला कि आज विदाई करेंगे, 10 महीने की विदाई की बात करेंगे। आप बताइए प्रभु जी कि माँ बाप जो पढ़ा लिखा कर हमको संस्कार दिए, हम बिहार से हैं गुरु जी, तो हम माँ बाप के छोड़ दें? तो पत्नी ऐसा बोलती है? ऐसा बोलती है कि अपने माँ बाप को चुनो नहीं तो हमको चुनो। आप कई वचन में भी बोले हैं कि अगर कोई पत्नी बोले कि माँ को चुने या आपको चुने, तो आपको सदा अनुसार बनना चाहिए कि हम माँ को चुने। उसी हम प्रांगण पर सर चल रहे हैं गुरु जी। और मेरे 4 भाई हैं, मेरे भैया 2 जॉब होल्डर हैं। आप क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ, अभी अलीगढ़ में आया हूँ कासगंज। कितने साल के हो आप? मैं 28 ईयर्स की हूँ, 96 का बर्न है मेरा। तो अभी कितने साल के हो गए आप? आपसे 28वां प्लस चल रही है। 28 प्लस जी। तो पत्नी अभी बच्चे बच्चे हैं कुछ आपके? कुछ नहीं है, 6 महीना मेरे साथ रिलेशनशिप में थी, जो भी कुछ था। फिर बाद में 10-11 महीना से मेरे से ना बात करती है, ना उनको माँ मुझे बात कराती है, ना कुछ कराती है। हम 2 बार भी गए कि मेरा घर, मतलब पत्नी कहती है कि पहले अपने माँ बाप को छोड़ो। हाँ छोड़ दो, फिर हम आएंगे। हाँ, जितना प्रॉपर्टी है आप मेरे नाम कराओ, आउट ऑफ स्टेट रहेंगे। वाह, आप बताइए गुरु जी की हमको विश्वास पत्नी नहीं है कि वकील है? पता नहीं गुरु जी, हम तो फूट फूट कर एकदम गल गए हैं। हम टाइपिस्ट हैं हिंदी का। अब देखो जरा, पत्नियां ऐसी आजकल पढ़ी पढ़ाई आती हैं कि सारी संपत्ति हमारे नाम कर दो, माँ को घर से निकाल दो, हम तुम्हारे संग रहेंगे। और प्रभु जी वो GNM की है। पत्नी है कि आतंकवादी है? वो GNM की है। हम सोचे कि एक बात बोलना चाह रहा हूँ गुरु जी जी, कि वो GNM की है। है? GNM क्या? ANM, GNM जो होता है ना। हाँ, GNM की है। मेरे नहीं समझते क्या होता है। डॉक्टरी लाइन। अच्छा, डॉक्टर है वो? मेरे माता पढ़ी लिखी है। हाँ, डॉक्टर है नहीं, डिग्री की है। अच्छा, डिग्री है, ठीक है। मेरे माता पिता सोचे कि हम भी स्टडी लाइन में, वो भी स्टडी लाइन में है, दोनों में मतलब वो भी पढ़ी लिखी है और आप भी पढ़े लिखे। पढ़े लिखे हम इतना डाइवर्ट हो गए हैं गुरु जी की आज तक मेरा फेस नहीं देखना पाता है कि हम कैसा है। अलीगढ़ में आए थे काम करने कासीगंज में डाटा ऑपरेटर पर, लेकिन वहाँ हमको नेटवर्किंग वाला काम बताया। अब पता नहीं माँ बाप का आशीर्वाद, किसी का आशीर्वाद, हम आपको प्रांगण में आ गए हैं। 2 दिन से यहीं पर हैं आपका, हम 2 दिन से 3-3 टाइम खाना खा रहे हैं गुरु जी, जिसका हमको जख्म चुकाना पड़े, कोई भी काम है आए। पर ये तो देखो गलत है, स्त्रियाँ देखो, आप शादी के पहले उसको देखे नहीं थे, बातचीत नहीं हुई थी? नहीं सर, हम बात इसलिए नहीं किए थे कि ज़्यादा बातचीत करने से मोटापन हो जाती है। तो आपकी शादी माँ बाप की राजी मर्जी से हुई थी? एकदम गुरु जी, मेरे राजी मर्जी से हुआ था। हम एक दिन बात भी नहीं किए थे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी खराब हो जाएगा, इसकी वजह से हम बात नहीं। शादी के पहले बेटा थोड़ी सी बातचीत तो हम कथा में बोलते हैं कि शादी के पहले लड़का लड़की को थोड़ा बात कर लेनी चाहिए, एक दूसरे को थोड़ा समझ लेना चाहिए, फिर विवाह करना चाहिए। आज हमें खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या करें, हमको खुद ही पता नहीं चल रहा है कि हम क्या करें। यहाँ पर 2 दिन से वृंदावन उसको ले आना हमारे पास, उसे सत्संग की जरूरत है। नहीं करती है तो ले आने कहाँ से। हम सोचते हैं कि घर का इंटरनल मैटर है, अपने में सच बूझ जाए, लेकिन उनको माँ बाप कहते हैं कि हम लिखवाएंगे पढ़वाएंगे कोर्ट कचहरी में, तो हम लोग उस पर भी एक्टिव हो गए। आप बोल रहे हैं कि आप करेंगे तो 2 साल बाद आखिर शादी क्यों किया, किसी लड़का को लाइफ क्यों खराब किया। सही और है। पूरे माताओं से हम कहना चाहते हैं एक बात कि मेरे माँ बाप आप लोग जन्म दिए, बच्चा से हम लोग को पासे पोले, तो आप लोग कर्तव्य बनता है कि हम लोग को पाँव दबाने के लिए मौका दे। अगर हमारे जैसा युवाओं, हमारे जैसे युवाओं लड़कियाँ माँ बाप को धोखा देने लगे तो पता नहीं क्या होगा गुरु जी। सही है। सबसे बड़ी गलती उस लड़की की माँ बाप की है कि कैसे संस्कार दिए कि देखो भाई उसका भी तो भाई होगा। भाई है, कुछ बोलता नहीं है, पता नहीं कहाँ रहता है, क्या बीतती होगी हमारे इसे युवाओं पर, हमारे पर गुरु जी की जो आप नए। उसके माँ बाप ने ठीक ठीक संस्कार दिए होते, इसलिए मैं हर माँ बाप से कहता हूँ अपनी लड़कियों को ऐसे संस्कार दो कि वो पति और सास ससुर सबको निभा करके चले, वो घर तभी स्वर्ग बनेगा, सबको निभाए। क्योंकि कल आप भी माँ बाप बनेंगे, फिर आपके बच्चे से आप उम्मीद करेंगे कि वो आपकी सेवा करें। हर बच्चे, हर माँ बाप को बच्चों का ही सहारा होता है। हम आज 2 दिन से प्रभु जी आपसे मिलने के लिए इच्छुक थे बट मिल नहीं पाए, हमारा हिम्मत नहीं है कि हम क्या करें, लग रहा है कि अब हमसे कुछ होगा नहीं, जो कि हम हिंदी टाइपिस्ट हैं,
हम डाटा ऑपरेटर के काम करते हैं, आज हमें खुद ही पता नहीं चल रहा है कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है जी। क्योंकि लोग बोलता है कि घर जब स्वर्ग होता है ना, तो समाज में बोलने के आदमी स्वर ऊपर करके चलता है। बेटा आप चिंता ना करो, आप बहुत अच्छे हैं, आप अपनी जो आप कार्य कर रहे हैं उसे बेहतर करो और अच्छा बढ़ाओ उसे। गुरु जी अगर वो धीरे से आ जाएगी, चिंता ना करो। अगर कोई टाइपिस्ट का काम है तो गुरु जी हम करने के इच्छुक हैं, हम आए हैं घर से कमाने। अभी हम अंदर बैठेंगे, आप मिल लीजिएगा, अभी मिल लीजिएगा अंदर।